बाकी आपको बताया बहुत क्यूट हो। ऑलराइट गाइस, तो 6 बज चुकी है, तुम देख सकते हो फिर भी अंधेरा है क्योंकि अक्टूबर चालू हो चुका है और हल्की हल्की सर्दियाँ भी स्टार्ट हो चुकी है। बड़े दिन हो गए थे हाथ में कैमरा उठाए, तो मैंने सोचा क्यों ना आज कोई छोटा सा व्लॉग बनाया जाए। तो मैं निकला हूँ गुलाब जी की चाय पीने के लिए, सुबह सुबह केला गेड़ी मारने के लिए। मौसम बड़ा ही ठंडा ठंडा है, ट्रैफिक अभी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे बहुत सारा ट्रैफिक मिलेगा क्योंकि उस टाइम तक स्कूल के बच्चे, ऑफिस वाले लोग, बहुत सारे लोग निकलते हैं तो ट्रैफिक हो जाता है। तो अभी हम चलते हैं गुलाब जी की चाय पीने के लिए, तो चलो चलते हैं। तो मैं आ चुका हूँ गुलाब जी की चाय। गुलाब जी आप जानते हो जयपुर में बहुत फेमस है। अभी मैं एंजॉय कर रहा हूँ सुबह की चाय और ये ब्रेड बटर। ठंड हो चुकी है, लिटरली सच में ठंड हो चुकी है और अभी मैं यहाँ पे एंजॉय कर रहा हूँ। देन इसके बाद में मैं अभी शानू को फ़ोन करूँगा, शानू का फ़ोन आया तो है, तो उसके बाद में हमारी क्या प्लानिंग है मुझे नहीं पता, तो जैसा भी होगा मैं बताता हूँ। तो जब तक मैं एंजॉय करता हूँ तब तक आप भी आसपास का एंजॉय करो। तो चाय भाई सब कंप्लीट और अभी शानू का फोन आया तो मैं शानू के पास जा रहा हूँ। देन हम क्या करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ तो करेंगे क्योंकि ब्लॉग को इंटरेस्टिंग बनना है। तो फिलहाल हम चलते हैं शानू के पास में, फिर देखते हैं हम क्या करेंगे। तो चलो चलते हैं। तो फाइनली मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ और तुम देखना चाहोगे मेरे साथ कौन है, मेरे साथ है शानू। और अभी हम दोनों ने डिसाइड किया है कि अभी हमको जाना है जहाँ पे रावण बन रहे हैं वहाँ पर। वैसे तो जयपुर में 3-4 जगह से ज़्यादा ही होगी जहाँ पे बनते हैं रावण, लेकिन हम सारी जगह तो कवर नहीं कर सकते। मेन जो जगह है वहाँ पर जाएंगे हम, और आवाज़ को थोड़ा इग्नोर करना क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। तो अभी हम ज़्यादा लेट नहीं करते और अभी हम चलते हैं यहाँ से सीधा रावण के पास, बहुत सारे रावणों के पास। तो चलो चलते हैं। ओके, हम पहुँच चुके हैं रावणों के पास में श्रीलंका में। ऐसा भी रावण है यहाँ पे, और भी बहुत सारे रावण है, वो देखो इधर रावण। तो तुम्हें रावण दिखाता हूँ, चलो अपन रावणों के पास चलते हैं, पास में चलते हैं। चलो तो ये देख सकते हो पूरा नए जमाने का रावण है, इसके बियर्ड ना पूरा ऐसे रावण तो नहीं लेकिन पूरा विलन लग रहा है, बहुत क्रेजी बनाया विलन। प्लीज इन आवाज़ों को भी इग्नोर करना। और अब हम चलते हैं कि जो रावण बनाते हैं उनसे बात करते हैं, उनकी फैमिली से बात करते हैं कि कैसे बनाते हैं, कितने दिन पहले का प्रोसेस होता है, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो चलो हम चलते हैं। आंटी को 5-6 साल हो गए रावण बनाते हुए। तो इनका कहना ये है कि 1 महीने पहले यहाँ पे बनाना स्टार्ट करते हैं और 1 महीने से पहले ये बनाना स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद में ना 1 महीने बाद जब दशहरा होता है उससे 1 दिन दशहरे के दिन ही सारे रावण खत्म हो जाते हैं। एक बार जोर से बोलना है, एक बार जोर से सबको बोलना है जय श्री राम, ठीक है ना, जोर से हाथ उठोगे उधर देख के 1 2 3। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, मैंने इनकी फैमिली वालों से बात करी और अगर आपको ये परचेज़ कर
मतलब नहीं हो रावण मगर है, तो ये न्यू आतिश मार के रोड पे आपको मिल जाएंगे, उधर भी है और इधर भी है, दोनों साइड हैप्पी नवरात्रि और दशहरा आप सभी को। ये एक छोटा सा ब्लॉग था जो भी यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, और नए हो तो बेल आइकन को करके जरूर जाना। तब तक के लिए बाय।